आई थिंक मैं शायद सातों सीजन का पार्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद खुशी ने वापस इस सीज़न को रिन्यू करा, और हर बार की तरह इस बार भी पार्टिसिपेंट्स की स्टोरीज जो है जो हमेशा मेरे लिए टचिंग रही है। ब्यूटी तो एक एस्पेक्ट रहा है इस अवार्ड का, बट इस पैजेंट का मेन आई थिंक जो रीज़न है जो खुशी करती है वो है विमेन एम्पावरमेंट की हर स्फीयर ऑफ लाइफ से उनको औरतों को यहाँ पे लाना, स्टेज पे खड़ा करना, चाहे उनके फैमिली का सपोर्ट है चाहे नहीं है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल और मैं हमेशा उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ऐसी चीज़ें करती रहे। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली अटेंड किया है और मुझे तो बस ये लगा कि हमारे भारत में मतलब कितनी ऐसी औरतें हैं होम मेकर जो अपनी इच्छाएं अपनी खुशियां दबा के बैठी हैं, कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करता है। मतलब सपने रात को शायद देख के सोती होंगी और सब जब सुबह उठती होंगी तो वही एवरेज लाइफ उनके सामने रहती होगी, और बोले भी तो किसको बोलें क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोई किसी का दोस्त सपोर्टर बन के आया है, कोई बेटा सपोर्ट कर रहा है, कोई बेटी सपोर्ट कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर औरत ऐसे हमेशा खुश रहे, जैसे आज इस स्टेज पे खुश हैं, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही हैं, इमोशनल हो गई हैं बात करते करते। आप सोचिए जब एक औरत इमोशनल होती है अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करते करते कितना पेन होगा उस औरत के अंदर, तो ज़िंदगी में उसने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक औरत खुश रहना सीख ले, अपनी फैमिली में सुबह से लेकर शाम तक खुश रहे, जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर रहती है वैसे खुश रहे, और जो सपने वो देखती है वो सपनों के बारे में एटलीस्ट अपने फैमिली वालों से बात कर सके और वो बोले यस यू कैन डू दैट, तो आई थिंक परफेक्ट तभी इंसान बनता है। और अगर हम में से अगर बात करें इंक्लूड मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी परफेक्ट होता नहीं, बट यस हम कोशिश करते हैं बेहतर बनने की और एवरीडे करते हैं। तो मेरी तो यही जो है विश है कि जो भी फीमेल यहाँ पर आती हैं वो ये अवार्ड के साथ वो ये ना सोचे कि यस मैंने कर लिया, उनके दिल में ये आना चाहिए कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना और मैं आखिरी सांस तक करूँगी, और जो नहीं कर रही है जिसने मेरी फ्रेंड है या मेरी रिलेटिव्स है जो वो भी करना चाहती है मैं उसको भी मोटिवेट करूँगी कि कर, कोई बात नहीं। एक बार कहते हैं ना कि कोई भी स्टेप लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हैवी होता है या डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो आई थिंक कोई भी लेडी स्पेशली जो होम मेकर होती है दे आर सच ए टैलेंटेड, लेकिन उनका टैलेंट दिखाएं कहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि घर घर में हर फीमेल को सपोर्ट करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करें, जो सपने वो देखती हैं जो सक्सेसफुल होना चाहती हैं वो करें, और तभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तब ये जो है परफेक्ट वाला जो टैग है या वुमन एम्पावरमेंट वाली जो बात है आई थिंक वो तभी कम्प्लीट हो सकती है। चुनिंदा औरतें अगर कुछ कर लेती है तो मुझे नहीं लगता वो वुमन एम्पावरमेंट वाली बात है। और देखा जाए तो कोई किसी को सपोर्ट करता भी नहीं है, शुरुआत में अपने आप को स्टेप लेना पड़ता है। तो जो भी ज़िंदगी में करना चाहता है फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टेप, उसके बाद जब आप थोड़ी सी ऊपर पहुँचेंगे तो शायद दूसरे वाला इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ वैसे भी एक औरत की लाइफ वैसे भी आसान नहीं होती है, और ऊपर से फैमिली दूसरों के लिए जीना, हम औरतें अपने लिए कम जीते हैं दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपकी ज़िंदगी आपकी ब्रेथ आपके लिए है, पहले अपने आप के लिए सांस लो, आपकी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ पूरी करो, खाने के बारे में भी अपने बारे में सोचो, बाद में फैमिली, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। अब जब फीमेल सक्सेसफुल होती है ना तो फैमिली वाले और ज़्यादा प्यार करते हैं, अब ज़माना बदल रहा है मैं आपको बता देती हूँ, वो ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमारी बहू पे तो कुछ आता ही नहीं है, अब वो चीज़ें बदल रही है, हर कोई चाहता है कि मेरी बहू को कुछ आए, मेरी बेटी को कुछ आए, मेरी माँ भी सक्सेसफुल बने। तो आई थिंक हमको वो स्टेप लेना चाहिए कि हम भी कुछ करेंगे। अब चीज़ें अब टेक्निक अब फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं औरतें, लेकिन आप अब कितनी ब्यूटीफुल है उसके लिए इस्तेमाल ना करें, आपके पास टैलेंट क्या है, दूसरों से हटके आप क्या चीज़ पब्लिक को दिखा सकती हैं वो चीज़ आप करें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आई थिंक यू विल गेट और यू विल रिसीव और मे बी यू विल सक्सेसफुल। तो बाकी तो सलमान जी का एक डायलॉग है जो बिग बॉस में बोलते हैं अक्सर, वो हम तो जा रहे हैं और मिलेंगे फिर कभी अगले अवार्ड शो में इनके साथ या किसी और के साथ, बट टिल देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इसका मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में वो करें जो करना चाहते हैं। जी, थैंक यू।
सीजन आप भी आए, कैसा लगा मैम? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जो मैं महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी देख रही हूँ ना, खुशी द्वारा आयोजित महिलाओं के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ, और उसी की मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आनंदित अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि इस मंच से मैं आई, इस मंच से मैं जुड़ी। यही सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट है, जहाँ एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, उसे खुशियाँ प्रदान करती हैं। महिला के जीवन में कितने ही अंदर ही अंदर दुख छिपे रहते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं जो किसी से कह नहीं सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ आकर वो खुलकर अपनी बात कर सकती है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकती है। और मैं हमेशा से एक महिला से कहती हूँ कि 24 घंटे में से भले हम 22 घंटे अपने परिवार को दें, लेकिन 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहाँ हम केवल और केवल अपने शौक के लिए वो 2 घंटे खर्च करें, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा शौक हो। और दूसरी और सबसे है कि अपनी प्रतिभा को हमें स्वयं बाहर निकालना होगा। कोई भी पड़ोसी आकर आपसे नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है, तो अपनी उस प्रतिभा को ढूंढना, उसे संवारना, उसे निखारना, ये भी एक महिला का अपना काम है। और तीसरी और सबसे बड़ी अहम बात है कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि एक महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, भाभी है, चाची है, सब कुछ है, लेकिन उसके पर एक महिला है और जिसे अपने आप से बात करनी जरूरी है, अपने संग समय बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक महिला खुश रहेगी तो वो दूसरों को खुशियां प्रदान करेंगी। हम अपने पति के नाम से पहचानी जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के नाम से भी पहचाने जाते हैं, खुशी की बात है, लेकिन कोशिश करें कि लोग आपको आपके नाम से भी पहचानें। लेकिन इसके साथ ही मैं एक संदेश हर महिला को देना चाहती हूँ कि अपने मैं की तलाश जरूर करें, लेकिन अपने इस मैं को कभी भी अहंकार या अभिमान में न बदलें, इसे हम बना कर रहें, परिवार को साथ लेकर चलें। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपका मार्ग नहीं रोक सकती। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। परफेक्ट वुमन, जी हाँ, खुशी द्वारा आयोजित ये परफेक्ट वुमन है, जहाँ महिला की प्रतिभा बाहर आ रही है। जय हिंद, भारत माता की जय। जिस तरह देखा जाए डॉक्टर खुशी मैम, गीत मैम और गुरु भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्टली वो थे, इस बार इस सीजन में नहीं है, उनका जो देहांत हो गया, कितना अपसेट करते हैं मैम? देखिए, एक महिला का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उनके पति होते हैं, उनका साथ रहता है, परिवार रहता है, और जब वो नहीं रहता है तो एक अकेलापन जो महसूस होता है, जो समाज को साथ में चलना, क्योंकि हर जब महिला का वो सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो समाज भी हमें एक अलग दृष्टि से देखता है। तो उस दृष्टि को हटाना और अपनी पहचान बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि खुशी ने करने की कोशिश की है। इसलिए खुशी को मैं एक वॉरियर कहती हूँ कि वो वॉरियर है और सबको साथ लेकर चल रही है। THD लाइव, हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है परफेक्ट वुमन मैगज़ीन के इस ग्रैंड इवेंट अटेंड करने में, और हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जो हमारे गीत जी है, खुशी जी है, ये हर साल ऐसे ही बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और इससे जो मॉडल्स हैं, अपकमिंग मॉडल्स हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने से। तो मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेस। काफ़ी अच्छा लगा। ये पहली बार नहीं है जो मैं आ रही हूँ, मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ, इसके पहले एडिशन में भी आ चुकी हूँ। तब मैं एक असिस्टेंट के तौर पर आई थी, सीनियर डिज़ाइनर के, एंड इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई केम एंड नाउ आई हैव कम एज अ मे बी एज गेस्ट। या खुशी मैम के बारे में क्या कहेंगे? खुशी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ स्वीट। मैं उनको शोज़ के टाइम भी ज़्यादा मिली हूँ, एंड वो काफ़ी मुझे लेकर काफ़ी ऑनेस्ट है when it comes to जो स्ट्रेस मुझे दिख रहा था, बट आई थिंक they've done a fabulous job. खुशी इज़ रियली हार्ड वर्किंग, being the ऑर्गेनाइजर, being the ओनर ऑफ द ब्रांड, और ये होस्ट करना एंड पूरा मेंटेन करना मजाक नहीं है, मैं कर चुकी हूँ। शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, उसकी टीम को सैल्यूट। अच्छा, आप भी शो में बैठे थे, कुछ कपल्स आए थे, कुछ अपने बेटे के साथ में, कुछ मम्मी के साथ में, बहुत सारे लोग आए थे, तो आपने काफ़ी देखा बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे। वेल, आई थिंक दैट ह्यूमन माइंड बहुत इमोशनल होता है, एंड औरतें कुछ ज़्यादा ही होती है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, मैं हूँ एक। आई फील उनके लिए ये स्टेज बहुत मायने रखा था, एंड जिस तरीके से उन लोगों को यहाँ पर ग्रूम किया गया था, उन लोगों एक बहुत ही
बचपन का शायद सपना बोल सकते हैं, फैमिलीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो औरत इतनी बंद गई थी कि ये एक्सपोजर देखकर उनको इतना इतना यू नो मतलब खुशी, इतनी खुशी मिली है. सो आई फेल लाइक आई थिंक ये ड्रीम कम ट्रू है. मतलब मिस परफेक्ट की जो टीम है, लतीफ़ा फाउंडेशन के जो NGO की टीम है, सिराज हो गए, खुशी हो गए, दिस गाइज हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड आई फील कि वो मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाते हैं, दे कीप मी इन द लूप और मैं उनकी यू नो फेवरेट्स में से कहलाती हूँ. आई फील सो स्पेशल. और आप लोग भी होते हो, मुझे आप लोग भी मिलते हो, आप लोग से भी बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे. और आपके अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, मेरा अभी जस्ट Z5 पे एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुआ है बाय द नेम ऑफ विकट कवि, इट्स अ तेलुगु वेब सीरीज़. एंड उसमें एक बहुत ही विचित्र टाइप का रोल किया है मैंने, वो एक सरप्राइज़ है, आपको जाके देखना पड़ेगा कि वो मेरा पहला ऑफिशियल वर्क है OTT प्लेटफॉर्म के लिए. एंड मोर 6 फिल्म्स आर देयर, स्लोली दैट विल ऑल्सो कम एंड आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो गो एंड वॉच दैट. और ये वाले वीडियोज़ डालोगे तो ही जाके लोग देखेंगे, नहीं तो सिर्फ लेकर रखने में कोई पॉइंट नहीं बनता है. और आपके रील्स वगैरह काफ़ी वायरल, तो उसका क्या? क्योंकि मैं ऑडियंस को वो देती हूँ जो उनको चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको डांस चाहिए, उन लोगों को साड़ी चाहिए, मैं उनको वो देती हूँ. एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि एक बार इंसान चल जाता है तो फिर चल ही जाता है, और मैं चल गई तो मैं चल गई. अब वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं कब तक वो यू नो कब तक चल पाता है. तो चल रहा है अभी, रील चल रहा है तो अच्छी बात है. अपना टिप्स दे सकते हो अपने फिटनेस के बारे में, राज बता सकते हो? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ना बॉडी फिजिक ऐसी ही है, इंडियन लड़कियों की बॉडी बहुत पतली होती है, वो बहुत लकी होती है कि वो कितना भी खाएं वो पतली ही रहती है. बट बीइंग एन ईरानी बॉडी, हमारी बॉडीज बहुत हेफ्टी होती है, काफ़ी यू नो हैवी होती है. सो उसके लिए मेंटेन करने के लिए हम लोगों को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. और एक बेली डांसर होने के नाते मुझे बेली फैट कम रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए बॉडी में एक कर्व आ जाता है जो बहुत लोगों के लिए बहुत किम कार्डाशियन और काइली जेनर वाली फीलिंग देता है. तो इट्स फील्स गुड दैट दे आर कंपेयरिंग मी टू सम लेजेंड्स. बहुत सारी लड़कियां ऐसा होती है कि इस तरीके से ये फिगर लाने के लिए वो इम्प्लांट्स कराते हैं, बहुत अच्छे. ये बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ, ये कोई इम्प्लांट्स नहीं है, मेरी बॉडी एब्सोल्युटली नेचुरल है. और ये बॉडी आप लोगों की भी बन सकती है, बट यू डोंट नीड टू डू इम्प्लांट्स फॉर दैट. जो मुझे बनाने में शायद 1-2 महीने लग गया, वो शायद उन लोग को बनाने में 8-10 महीने लगेगा. वो डेडिकेशन की ज़रूरत है. सिर्फ इंस्टा रील्स पे फोटोज़ लाइक करके कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर अमल करना ज़रूरी है. मैंने किया तो आज रिजल्ट सामने है. आई थिंक दैट्स द गुड पार्ट. और कभी ऐसा कोई बोलते ना महंगा डाइट नहीं है, एकदम कॉस्ट एफिशिएंट है. मतलब चावल बंद कर दो, उससे ज़्यादा सस्ता डाइट कुछ हो ही नहीं सकता. चावल बंद कर दो. फैंस के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? फैंस तो ज़िंदगी है मेरी, मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ. आप लोग पैप्स फैंस, मेरी PR टीम जितने भी है, उनकी वजह से ही मैं हूँ. और आप लोग मुझे लूप में रखते हो, मुझे अच्छा लगता है. मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे रील्स दूसरों के पेजेस से भेजते हैं और वो थोड़ा फनी लगता है मुझे. मैं बोलती हूँ क्या करना है उस चीज़ का, बट वो बोलते हैं तू ट्रेंड हो रही है. अच्छा लगता है, आप लोगों की वजह से हूँ. आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए, अपना मुँह मत मोड़ना हम लोगों से. हम एक्ट सेलिब्रिटीज़ लोग, मैं अपने आप को नहीं कंसिडर करती वो, बट सेलिब्रिटीज़ रूड हो जाते हैं नॉल. मेरी तरफ से आपको कंप्लेंट कभी नहीं रहेगी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस. वुमेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म लेके आए हैं वुमेन्स के लिए? आई थिंक मेरा सब मानना है कि ऊपर वाले ने औरतों को परफेक्ट ही बनाया. मेरा सब मानना है कि औरतें बहुत खूबसूरत प्रजाति है, एंड आई फील लाइक उन लोगों को खूबसूरत बनाया गया है, एंड उस चीज़ को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार वो खूबसूरत नहीं है, मतलब उस लड़की ने या उस औरत ने अपने पे ध्यान नहीं दिया है. सो आई फील लाइक परफेक्ट वुमेन एक ऐसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे लेडीज़ लोगों को ये फील कराता है कि हाँ यार हम भी हैं. मतलब मेरे को तो चलो आप लोग एक्सपोजर दे रहे हो, बट ये जो औरतें स्टेज पर आपको दिख रही है, इन लोगों को इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है. तो वो 10-15 मिनट का जो फेम उनको मिला है, वो परफेक्ट मैगजीन ने दिया है, मिस परफेक्ट का क्राउन उनको मिलता है, वो क्राउन की जो वैल्यू है वो उन लोग के उनकी ज़िंदगी में उनके पति से ज़्यादा होती है. अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्राउन को अपने सजा के अपने साथ शायद बिस्तर में लेके सोती भी हैं वो. सो बहुत अच्छी चीज़ है दैट दे आर डूइंग दीज थिंग्स. और वो घर से बाहर निकल कर एक ऐसा एटमोसफियर में काम करी, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब. So kudos to the team of Miss Perfect and Latifa Foundation. Always there for the NGO. Siraj, the NGO is doing a fabulous job. आप लोग भी NGOs को सपोर्ट करिए. मैं ऑलवेज NGOs के सपोर्ट में रही हूँ. मैं जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स है, ब्राइट आउटडोर, तो योगेश नखानी इज़ माई स्वीट हार्ट. आई मिस्ड हिम टुडे, बट ही वाज सपोज टू बी हियर. एवरीबडी एल्स आउट ओवर हियर, आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, एंड यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग अ फैबुलस जॉब. सो थैंक यू फॉर यू गाइज ऑल्सो फॉर गिविंग दिस रॉयल ट्रीटमेंट टू मी. थैंक यू सो मच.
जितने मेरे कंटेस्टेंट्स हैं, जिन लोगों को आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए सारे विनर्स हैं, जितनों ने कम्पीट किया उन्होंने अपने आप के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए 100% दिया, तो वो यहाँ से एक इनविजिबल क्राउन ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर ही कैलिबर है उसके लिए अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने सारे एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सीजन 7 में मुझे जो मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में, अपने अचीवमेंट के लिए, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रियली वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू। थैंक यू।